नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड में बसा तिब्बती समुदाय आजकल चर्चाओं में है। चर्चा का कारण है आजाद तिब्बत। ये सभी शरणार्थी भारत सरकार से तिब्बत को आजाद करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सवाल है आजादी मगर किससे? चीन से। दरअसल सन 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद तिब्बत के दलाई लामा सहित अन्य तिब्बती नागरिकों ने सीमा पार करके भारत में शरण लेकर अपनी जान बचाई थी, जिसके चलते भारत में रह रहे तिब्बती तभी से आजाद तिब्बत की मांग करते आ रहे हैं। इसी क्रम में विकासनगर में दर्जनों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने तिब्बत की आज़ादी की मांग करते हुए भारत समेत यूएन और अन्य प्रभावशाली देशों से तिब्बत में हो रहे चीन के अत्याचारों को रोकते हुए तिब्बत की आज़ादी की मांग की है। जी, ये आज तिब्बत में सन 1959 को जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जन आंदोलन हुआ था, उसका 67th एनिवर्सरी है, 67वां दिवस है। तो इस पर वही तिब्बत की जो चीन ने अपने अधीन में कब्जा किया हुआ है, जो गैर एक तरह से उसके तौर पर, तो उसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है और तिब्बत के अंदर मानवाधिकार का बहाल हो, तिब्बत को आज़ादी मिले, तिब्बत में एक तरह से अपने धर्म को एक तरह से उस पर अमल करने का स्वतंत्रता हो, तिब्बत के अंदर पर्यावरण का देख रेख हो, उस तरह की जो, और विशेष रूप से हाल ही में जो तिब्बत के अंदर मठों का एक ध्वस्त कर देना, वहाँ पर जल संग्रह बना देना और डैम वगैरह बना देना और लोगों को बलपूर्वक जन स्थानांतरण करना, चीन से चीनियों को तिब्बत के अंदर लाना, जिसकी वजह से तिब्बत के अंदर की जो जनसंख्या की जो एक बैलेंस है उसे बिगाड़ना, इस तरह की जो चीनियों के हथकंडे हैं उनके विरोध में ये कार्यक्रम चल रहा है और उसी के ही संदर्भ में एक तरह से डिमांड किया जा रहा है कि ये सारे जो काम है रोके और तिब्बत में आज़ादी की जो है बहाल करें। ये जुलूस विकासनगर ही नहीं बल्कि नैनीताल में भी अपने चरम पर है। नैनीताल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों ने तिब्बत की आज़ादी के लिए नैनीताल में तिब्बती बाजार बंद रखते हुए नगर में जुलूस निकाला। 10 मार्च को तिब्बत में 1959 को पहला जन आंदोलन शुरू हुआ था तिब्बत में चीन के खिलाफ, तो वो आज उसका 65वां वर्षगांठ है और नगर में, यहाँ नैनीताल में हमारे तिब्बती युवा कांग्रेस और तिब्बती महिला संगठन के तत्वाधान में एक जुलूस का आयोजन किया गया है। तो हमारी जो चीन से मांग है कि चीन अब तिब्बत में मानव अधिकार बहाल करें और जो अत्याचार तिब्बत में कर रहे हैं उसको बंद करें और तिब्बत में जो धार्मिक संस्कृति को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है उसको बंद करें, और भारत सरकार और विश्व संगठनों से ये अपील है कि तिब्बत की आज़ादी के लिए और तिब्बत की जो समस्या जो है उसके बहाल के लिए अपनी तरफ से पुरजोर को जोर लगाएं और चीन पर दबाव डालें कि तिब्बत में और तिब्बत के लोगों के लिए जो स्थिति जो है बेहतर हो।